नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सरहा। यूं तो बिहार में पुल गिरने की खबर आम हो चुकी है, लेकिन अब एक ऐसी खबर जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं अब कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। बता दें कि बिहार के अररिया में एक ऐसे पुल का निर्माण कर दिया गया जिस पुल को बनाने में करोड़ों की लागत लगी, लेकिन इस पुल तक जाने के लिए ना यहाँ पर सड़क है और ना ही पुल के नीचे कोई नदी, तो फिर आखिर इस पुल का निर्माण क्यों किया गया है? अब ये वहाँ के स्थानीय लोग भी इस पर सवाल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर कई सवाल करते नजर आ रहा है। दरअसल जिले के रानीगंज प्रखंड में एक पुल को ऐसी जगह बनाया गया जहां ना सड़क है ना नदी, बस 40 मीटर का पुल बनाकर छोड़ दिया गया है। अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 40 मीटर लंबा ये पुल बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया गया है, लेकिन अप्रोच नकी बनने से पुल को कोई मायने नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि ये करीब 3 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, अब यह बिना अप्रोच के पुल चर्चा का विषय बन चुका है। पुल को खेतों के बीच में बनाकर छोड़ दिया गया। मामला सामने आने के बाद डीएन इनायत खान ने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इधर ग्रामीणों का कहना है कि यहां से दुलारदेई नदी बहती है, जिसमें कभी कभी खासकर बारिश के मौसम में पानी आ जाता है। पुल बनने के बाद अब तक अप्रोच नहीं बनना संवेदक के साथ साथ विभाग की लापरवाही है। वहीं जब पुल तैयार हो गया तो विभाग को जल्द से जल्द बाकी काम भी कर देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।